हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो मेरे सारे गेमिंग एसेसरीज़ हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया और मेरा हेडफोन हो गया, मेरा गेमिंग कीबोर्ड, गेमिंग माउस, ये दिखाने वाला हूँ, अपना कैमरा दिखाने वाला हूँ अपना, और आपको मैं बताने वाला हूँ कौन से सॉफ्टवेयर से मैं अपनी वीडियोज़ को एडिट करता हूँ। तो आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे दोनों चैनल पर, जो मेरा मेन चैनल है अमेजिंग गार्डनिंग, आपको काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरा एक मेन चैनल है अमेजिंग गार्डनिंग, जहाँ पे मैं गार्डनिंग की वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, कौन सा कैमरा यूज़ करते हो, एसेसरीज़ क्या यूज़ करते हो आप वीडियो शूट करने के लिए। तो वही आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए, ये है सारी मेरी एसेसरीज़ जो कि आज आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर ये एसेसरीज़ मैंने कब ली और कितने कितने की ली। तो सबसे पहले आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये है मेरा फ़ोन जो मैंने सबसे पहले अपने खुद के मनी से लिया था 2019 में। इससे पहले मेरे पास पुराना जो फ़ोन था वो सोनी एक्सपीरिया था और ये है वन प्लस सेवन। तो उस वक्त 2019 में वन प्लस सेवन सबसे लेटेस्ट मॉडल चल रहा था और मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने इसको परचेज़ किया वीडियो शूट करने के लिए। इसकी जो रैम थी उस टाइम 8GB रैम थी इसकी, और इसकी जो मेमोरी थी वो थी अप्रॉक्स 256GB। तो 256GB मेमोरी मेरे को काफ़ी रहती और जो रैम 8GB वो भी काफ़ी रहती, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। और इसका जो कैमरा था वो तो था ही अच्छा, जो कि अब तक अच्छा है इस फ़ोन का। तो ये तो इसका बॉक्स है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ये फ़ोन है ये मेरे पास ये है जो कि मैं पिछले 2 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरे पास फ़ोन वन प्लस सेवन। तो इसका कैमरा आज भी इतना अच्छा है कि मतलब 4K 60 FPS पर जब इससे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो काफ़ी अच्छी इससे रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन जैसे कि अब मेरे को 2 साल हो गए हैं तो मैंने सोचा क्यों ना अपने आप को अपग्रेड किया जाए। तो उसके बाद मैंने लिया कैमरा, और कैमरा सबसे पहले मैंने सोचा कि GoPro लेता हूँ, क्योंकि इससे थोड़ी मोटो व्लॉगिंग टाइप से भी हो जाएगी और इससे नॉर्मल वीडियो तो शूट हो ही जाती है। इसका वाइड एंगल भी है और इसमें 4K, और अब तो इसमें मेरे पास क्योंकि GoPro Hero 9 ब्लैक है तो इसमें तो 5K 60 FPS पर भी रिकॉर्डिंग होती है, तो इसलिए मैंने इसको GoPro 9 को ले लिया। तो अभी जो वीडियो शूट हो रही है मेरे GoPro Hero 9 से ही हो रही है। तो चलिए, ये तो बात हो गई मेरे कैमरेज की कि मैं मतलब कौन सा कैमरा और कौन सा फ़ोन यूज़ करता हूँ वीडियोज़ के लिए। तो बेसिकली आपको मैं ये बताता हूँ कि आजकल अगर आपके पास कोई भी ऐसा फ़ोन है, कोई भी ऐसा डिवाइस है जो 4K वीडियो सपोर्ट करता है, मतलब 4K वीडियोज़ आप उसे शूट कर सकते हो, तो वो वीडियोज़ क्रिएट करने के लिए काफ़ी अच्छा है। उससे जैसे जो नीचे वाले होते हैं 1080 पिक्सल्स वाले, तो अगर वो वाले आप यूज़ करते हो तो उससे वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आती। लेकिन हाँ, अगर कोई आपके पास ऐसा डिवाइस है, वो कोई सा भी कैमरा हो, कोई भी आपके पास फ़ोन हो, तो 4K रिकॉर्डिंग वाला जो डिवाइस होता है वो अच्छी वीडियोस शूट कर देता है। मेनली आपका कंटेंट होता है कि जो हम कंटेंट दिखाना चाहते हैं लोगों को वो पसंद आना चाहिए। तो अगर वो पसंद आएगा तो आप अपने आप धीरे धीरे करके सारी चीज़ें परचेस कर ही लोगे। मैं बात करता हूँ कि मैं एडिटिंग कौन से सॉफ्टवेयर से करता था पहले। तो जो एडिटिंग थी वो मैं करता था सबसे पहले काइन मास्टर से। आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता होगा जो यूट्यूब पे आते हैं नए, कि काइन मास्टर एक फ़ोन में एक ऐप होता है जिससे कि काफ़ी अच्छी रिकॉर्डिंग होती है, एडिटिंग होती है। तो मैंने उसका जो क्रैक वाला वर्जन था वो परचेज़ करके रखा हुआ था और उससे अब तक मेरा काम चल रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने ये लिया GoPro, तो इसकी जो 4K 60 FPS, 5K 60 FPS वीडियोज़ हैं, तो वो मेरे को पता था कि फ़ोन से तो मैं एडिट नहीं कर सकता हूँ अपने इस वन प्लस से, मतलब काइन मास्टर में। तो मैंने इससे GoPro से पहले ले लिया था ये लैपटॉप जो कि है Acer Nitro 5। इसकी भी एक कहानी है, मैंने Acer Nitro 5 क्यों लिया तो वो भी आपको बताता हूँ। तो Acer Nitro 5 में एडिटिंग ठीक तरीके से हो जाती क्योंकि एक गेमिंग लैपटॉप है, तो इसलिए मैंने ये लैपटॉप ले लिया। तो ये है वो लैपटॉप, तो ये लैपटॉप मैंने लिया था। तो इस लैपटॉप में मैं जो अभी सॉफ्टवेयर फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ वो है फिल्मोरा 10 है शायद, वो जो लेटेस्ट वाला है वही मैं यूज़ करता हूँ, और उसको मैंने क्रैक वर्जन नहीं लिया है, उसका मैंने पेड वर्जन लिया है। और Adobe प्रीमियर प्रो मैं सीख रहा हूँ क्योंकि जो फिल्मोरा है उसमें भी 5K रिकॉर्डिंग जो है GoPro की वो सपोर्ट नहीं कर रही, उसमें HEVC सपोर्ट नहीं है, तो इसलिए मेरे को Adobe प्रीमियर प्रो ही सीखना पड़ेगा। तो आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ कि मैं लेने गया था Acer Predator, तो जब मैं उसकी शॉप पे गया तो एकदम से मेरे कॉलेज से मैसेज आ गया कि फ़ीस डिपॉजिट करनी है, तो मेरे को अप्रॉक्स 40,000 अपनी फ़ीस डिपॉजिट करनी पड़ गई, तो जिसके वजह से मेरे पास 60,000 रुपीज़ ही बचे। तो मेरे को उस दिन ही लैपटॉप लेना था, तो मैं जल्दी में Acer Nitro 5 लेके आ गया, नहीं तो पहले मैं लेके आने वाला था Acer Predator, क्योंकि वो सीरीज़ काफ़ी अच्छी है, उससे एडिटिंग भी काफ़ी अच्छी होती है और मतलब काफ़ी सारे उसमें बेनिफिट्स थे। तो फिलहाल ये तो बात हो गई लैपटॉप की। और अब ये देखिए, ये है गेमिंग कीबोर्ड, ये है Zebronics का गेमिंग कीबोर्ड और ये है Zebronics का ही गेमिंग माउस। तो ये दोनों चीज़ें मैंने परचेज़ की थी क्योंकि थोड़ा सा मतलब गेमिंग का भी मेरे को भी शौक़ है, जो मेरा छोटा भाई है दीपांजल उसको भी थोड़ा गेमिंग का शौक़ है, तो हम तो अभी वही ये वीडियो शूट कर रहा है तो हंस भी रहा है।
हम दोनों ने मतलब ये इसलिए लिया था कि चलिए मतलब गेमिंग के लिए कहाँ हो जाएगा। बेसिकली मेरे को फिलहाल तक तो गेमिंग का शौक़ नहीं है, आगे अगर फ्यूचर में होगा तो मैं देखूंगा उसका, लेकिन छोटे भाई को गेमिंग का शौक़ है तो फिलहाल वही इसको यूज़ करता है, और बड़े वाला जो मेरे भाई है वो भी इसको यूज़ कर लेता है। तो और अभी एक मैंने रिसेंटली एक चीज़ मंगाई है हमने सब भाइयों ने मिलकर, तो ये है हमारा न्यू हेडसेट जो कि है गेमिंग हेडसेट पूरा। तो इसके बारे में भी अगर आपको पूरा डिटेल रिव्यू चाहिए तो आप मेरे को बता देना, मैं बना दूंगा इसके ऊपर वीडियो, और शायद वो मैं दीपांजल भाई के चैनल पे अपलोड करवा दूँ, उसका एक छोटा सा चैनल है। तो मतलब इसमें बेसिकली ये हमने जो हेडफोन है वो इसलिए लिया है क्योंकि इसमें जो माइक है वो है, मतलब अगर हम कभी वीडियोस हमें बनानी होती हैं या फिर कुछ मतलब वीडियो की एडिटिंग करनी होती है तो इस हेडफोन में माइक भी है, तो एडिटिंग वीडियोस की और गेमिंग काफ़ी अच्छे तरीके से इससे हो जाती है। तो ये तो थी सारी बात कि हम क्या यूज़ करते हैं, मतलब मैं क्या यूज़ करता हूँ अपने वीडियोज़ के लिए, मतलब एडिटिंग करने के लिए, शूटिंग करने के लिए। और एक ट्राईपॉड और है, चलिए आपको मैं ट्राईपॉड भी दिखा देता हूँ क्योंकि ट्राईपॉड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये देखिए, ये है काफ़ी बड़ा ट्राईपॉड, और मतलब मैंने अच्छे वाला ट्राईपॉड लिया था सबसे पहले। मैंने सोचा कि जब हम कुछ चीज़ ले रहे हैं तो हम अच्छी चीज़ पे इन्वेस्ट करें, जो सस्ते ट्राईपॉड आते हैं 1000-1200 के वो मैंने नहीं लिया। मेरे को 3000 का ट्राईपॉड पड़ा था, ये मैंने 2019 में ही ले लिया था। और एक रिंग लाइट है, रिंग लाइट अभी नीचे रखी हुई है, मतलब वो ख़राब हो चुकी थी तो मेरे को दूसरी रिंग लाइट परचेज़ करनी है। तो ट्राईपॉड और रिंग लाइट भी ज़रूरी होती है। तो बेसिकली ये एक ऐसी वीडियो हो गई कि जिसमें आपको ये पता लग गया कि अगर आपको मतलब YouTube पे वीडियोस बनानी है तो क्या क्या आपको चाहिए होता है। सबसे पहले ट्राईपॉड, कैमरा, रिंग लाइट, ये मतलब कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, और माइक होना चाहिए आपके पास। चलिए आपको माइक भी दिखा दे, अरे दिखा क्या देता हूँ, ये लगा हुआ है जिससे वीडियो शूट हो रही है, मतलब वॉइस जिससे आपको क्लियर आ रही है। तो माइक आपके पास होना चाहिए, एक ऐसा वायर्ड माइक होना चाहिए, और एक जो डायरेक्शनल माइक है वो होना चाहिए। अगर आप थोड़ा व्लॉगिंग टाइप से करते हैं या फिर कोई बाहर जाके आप आउटडोर वीडियो शूट करते हैं तो वो होना चाहिए आपके पास, माइक, ट्राईपॉड और एक अच्छा सा मतलब कोई डिवाइस जिससे आप अपना वीडियो शूट कर सकते हो, चाहे कैमरा भी हो सकता है, वो फ़ोन भी हो सकता है। तो ये और एक गिम्बल होना चाहिए आपके पास, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, उससे जो वीडियो है वो शेक नहीं होती। तो ये थी छोटी सी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो चलिए अभी GoPro से तो वीडियो शूट ही हो रही है, मैं आपको इसका बॉक्स दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये है GoPro Hero 9 का बॉक्स, इस बार ये इसके साथ एक किट भी आई थी। तो ये थी सारी छोटी सी वीडियो मेरी सारी एसेसरीज की, इस तरह की और वीडियोज़ आप लोगों के लिए मैं फ्यूचर में बनाऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी कोविड चल रहा है तो आप सभी लोग अपने घर पे रहिए, अपने घर पे ही काफ़ी अच्छा है, अपना जो भी टैलेंट है आप उसको यूट्यूब पे दिखाइए, काफ़ी अच्छा है वो भी, तो अपना टैलेंट शोकेस करते रहिए, घर पे रहिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।